हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे छोटी मछली जिसके लिए ले लिए है हमने 200 ग्राम मछली। और इसमें मिलाएंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच नमक। और इन सबको मिलाकर अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। और अब हम लेंगे गोभी जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, एक मीडियम साइज का प्याज, 10-15 कली लहसुन, एक टमाटर और धनिया पत्ता, आधे इंच अदरक का टुकड़ा। और गोभी को हम बॉयल करेंगे, इसके लिए हमने पानी रख दिया है। इसको 5 मिनट के लिए हम बॉयल कर लेंगे ताकि हमारी गोभी की गंदगी निकल जाए। और ये देखिए, गोभी हमारी बॉयल हो रही है और ये बॉयल हो चुकी है। अब इसको पानी को हम स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए, अब हम ले लेंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें हमने लिया है एक छोटी चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच सरसों, एक बड़ा चम्मच धनिया और 4-5 लाल मिर्च। इन सभी को हम फाइन पेस्ट लहसुन अदरक के साथ बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा फाइन पेस्ट हो चुका है और हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। तो तेल हमारी गर्म हो रही है, जब अच्छे से तेल गर्म हो जाएगी तो हम मछली डाल देंगे। और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छा कलर आने तक भून लेंगे। और ये देखिए, हमारी मछली फ्राई हो चुकी है। अब इसी तेल में हम गोभी फ्राई करेंगे। गोभी को हमने डाल दिया है और इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे और आधी छोटी चम्मच हल्दी डालकर इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिला दें और ढककर 5 मिनट के लिए हम पका लेंगे। हमारी गोभी फ्राई हो चुकी है और इसको हम इस टाइम पर निकाल लेंगे। और अब इस तेल में हम फोरन ले लेंगे। फोरन के लिए लिया है हमने आधे छोटी चम्मच जीरा, आधे छोटी चम्मच काला बड़ा सरसों और एक पिंच हींग और एक तेज पत्ता डाल दिया है। और इसको अच्छी तरह से भून लिया है। और अब इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को ब्राउन होने तक भून लें। फिर इसमें वही सारे मसाले जो हमने पीस के रखे थे वो डाल दिया है। एक टमाटर काट के डाल देंगे और आधी चम्मच हल्दी को डालकर हम मसाले को मिला लेंगे। आधी छोटी चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च दिया है जो कि कलर के लिए, आप ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और आप नमक ले लें स्वाद के अनुसार, जितना आप खाते हो उस हिसाब से नमक डालें। और इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लें। मसाले के ऊपर जब तेल आ जाएगा तो समझिए आपका मसाला भून चुका है। और अब हम इसमें गोभी मिला देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी, तो अच्छी तरह से मिला लें। और अब हम डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखें, मैं ये रोटी के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा कम ही रखा है। अब खोलने देंगे अच्छी तरह से, तब हम डाल देंगे मछली। और इस पॉइंट पे हमने ये सारी फ्राई की हुई मछली डाल दी है। अब 5 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे। और ये देखिए, हमारी मछली पक रही है। इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। और अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। और ये देखिए, हमारी मछली रेडी हो गई है। दोस्तों, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमने अब धनिया पत्ता इससे गार्निश कर दिया है। थैंक यू।